हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईफोन के लिए आने वाले बेस्ट माइक्रोफोन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे लोग अच्छी वीडियो क्वालिटी के लिए आईफोन को तो ले लेते हैं, बट आईफोन्स के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त माइक्स को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनके वीडियो में ऑडियो का क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है। आप इस गलती को मत करिए दोस्तों। ऑडियो इज़ हाफ ऑफ द वीडियो। आपके वीडियो में वीडियो जितना इम्पोर्टेंट रहता है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट ऑडियो भी होता है। यहाँ मैं 100 रुपये से लेकर 30,000 तक के सारे बेस्ट माइक्स को लाया हूँ और इनको ही एक एक करके टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। पहले आप पूरा वीडियो को देखिए, बाद में अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से इनमें से कोई एक माइक को लीजिए और काम को शुरू करिए। और इन सारे माइक्स के लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, चेक करिए। ऑडियो का इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आईफोन के साथ रिकॉर्ड किया गया इस वीडियो को देखिए दोस्तों। अब मैं विदाउट माइक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप ऑडियो सुन सकते हैं। इस तरह आप बहुत शोर, बहुत नॉइजी जगह पर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका ऑडियो विदाउट माइक अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए डेडिकेटेड माइक को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट माइक ऑडियो रिकॉर्डिंग किया तो ओवरऑल वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस ही ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईफोन्स के साथ तो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, या तो फोन्स के साथ करिए, गोप्रो या कैमरा के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त माइक से ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए दोस्तों। माइक्रोफोन्स में मेनली 4 तरह के माइक्रोफोन्स आते हैं। नंबर 1, लैविलियर माइक्रोफोन्स, इनको लैपल माइक्स भी कहते हैं। ये वायर के साथ आते हैं और काफ़ी चीप प्राइस में ये मिलते हैं और इनका ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा रहता है। सिर्फ एक ही दिक्कत रहता है कि इनके बीच में इस तरह का वायर रहता है। अब मैं लैपल माइक से ही ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ क्लिप किया हूँ। नंबर 2, ऑन कैमरा माइक्स, इनको शॉटगन माइक्स भी कहते हैं। ये माइक्स इस तरह से दिखते हैं, देखिए। शॉटगन माइक को हम जिस तरफ रखते हैं ना, सिर्फ उसी तरफ का ऑडियो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है। इन माइक्स को व्लॉग्स को रिकॉर्ड करते वक्त, एम्बिएंट साउंड्स को रिकॉर्ड करते वक्त और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो उनका ऑडियो कैप्चर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नंबर 3, स्टूडियो माइक्स। स्टूडियो माइक्स इस तरह से दिखते हैं, देखिए। इनको प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त यूज़ किया जाता है, एक्स्पेशली वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करते वक्त, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग करते वक्त। और आप इस तरह के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने वाले हैं तो आप स्टूडियो माइक से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और स्टूडियो माइक्स को कॉन्डेंसर माइक्रोफोन्स भी कहते हैं और इनका ऑडियो क्वालिटी वाकई में ही बहुत हाई क्वालिटी रहता है और क्रिस्प भी रहता है। आईने के सामने खड़े होकर देखिए, आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। और ये माइक्स आईफोन्स के साथ सुटेबल नहीं होते। इन माइक्स को यूज़ करना है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। नंबर 4, वायरलेस माइक्स। आज के समय में वायरलेस माइक्रोफोन्स बहुत पॉपुलर है। अगर आप आउटडोर में आईफोन्स के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप वायरलेस माइक्स को यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस माइक्स को यूज़ करने से आप वर्सेटाइली भागते फिरते घूमते भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये थे दोस्तों 4 तरह के माइक्स। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। मैं यहाँ बजट फ्रेंडली से लेकर हाई बजट तक के मोस्ट ऑफ द माइक्स को लाया हूँ, इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लैविलियर माइक्रोफोन्स को देखेंगे। मैं अमेजन में सबसे सस्ता माइक कौन सा आ रहा है देखकर 100 रुपये का यहाँ एक माइक लाया हूँ, देखिए। सबसे पहले हम इसके साथ ही टेस्ट करेंगे। और मेरे पास आईफोन है दोस्तों, ये है आईफोन 15 प्लस। अगर आपके पास आईफोन 12, 11, 13, 14 या 16 कोई भी मॉडल का आईफोन है तो भी ये वीडियो आपके लिए भी रेलिवेंट है। मैं अमेजन से 100 रुपये का एक बजट फ्रेंडली माइक लिया था, ये डायरेक्ट टाइप सी पोर्ट के साथ ही आता है, देखिए। इसके साथ चेक करेंगे, अब मैं प्लग करूंगा और इसके साथ ऑडियो क्वालिटी सुनिए। उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, मेरी आवाज़ फटने जैसे, क्रैक होने जैसे सुनाई दे रही है। ओवरऑल मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपको आप बजट फ्रेंडली माइक्स के चक्कर से बाहर आइए। कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा खासा माइक को लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए इसके साथ इस तरह रोने जैसे आवाज़ आ रही है। अब मैं अगला माइक 400 रुपीज़ के माइक के साथ टेस्ट करूंगा, ऑडियो सुनिए। अब हम नेक्स्ट माइक को देखेंगे। ये माइक है मोनो AU 400 लेवलियर माइक्रोफोन। ये 400 रुपीज़ के आसपास तक मिल जाएगा। ये माइक 3.5 mm जैक के साथ आता है। आप आईफोन के साथ डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आईफोन में सिर्फ एक ही पोर्ट रहता है। मैं इसको क्यों चूज़ किया कि अगर आप
3.5 mm वाले इस तरह के जैक के साथ आने वाले माइक्स को लिया, तो आप इन माइक्स को GoPro के साथ यूज़ कर सकते हो, Android फोन्स के साथ यूज़ कर सकते हो, कैमराज के साथ यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और आप इस तरह के माइक्स को डायरेक्टली आईफोन्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए 3.5 mm टू टाइप सी का कनेक्टर लेना पड़ता है। यहाँ देखिए इस तरह से कनेक्टर दिखता है। और इसके लिए मैंने क्या किया कि ओरिजिनल एप्पल का लिया तो 900 रुपये देना पड़ता है, एक सस्ता बजट फ्रेंडली लेंगे सोचकर मैं सॉन्स ब्रांड का 300 रुपये का कनेक्टर ले लिया अमेजन से ही। और ये सॉन्स का ब्रांड है ना, ये भी अच्छा खासा ब्रांड का ही है। और इसको मैं आईफोन के साथ टेस्ट किया, ये वर्क होता है, माइक भी कनेक्ट होता है, ईयरफोन्स भी कनेक्ट होते हैं, बट इसके साथ ऑडियो इस तरह आता है। पहले आप ऑडियो सुनिए फिर बात करूँगा। अब मैं मोनो AU400 माइक को इस बजट फ्रेंडली कनेक्टर के साथ आईफोन के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। अब कनेक्ट कर दिया, देखिए वर्क होता है दोस्तों। इस सॉन्स यानी बजट फ्रेंडली सॉन्स कंपनी का है ना, ये भी बढ़िया क्वालिटी का ही ये माइक अडॉप्टर है, लेकिन ये अच्छी तरह से आईफोन के साथ काम नहीं करता। जो ओरिजिनल एप्पल का काम करता है ना, उतना अच्छी तरह से ये काम नहीं करता। मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि थोड़ा रोने जैसे, क्रैक होने जैसे सुनाई दे रही है। ये काम नहीं करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर किया एप्पल का 3.5 mm टू टाइप सी का कनेक्टर। यहाँ देखिए इस तरह से है और इसका प्राइस 900 रुपीज़ है। इसके साथ ऑडियो सुनिए, मोनो AU400 माइक के साथ सुनिए। ये है एप्पल का ओरिजिनल अडाप्टर। मैं यहाँ माइक को रिमूव कर चुका हूँ। ये है विदाउट माइक ऑडियो। इस तरह का साइलेंट एनवायरनमेंट में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑडियो अच्छी तरह से सुनाई देती है, बट आप शोर में बहुत नॉइजी जगहों में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने लगे तो उतना अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता जितना माइक को डालने से। अब मैं माइक को इंसर्ट करता हूँ, देखिए इंसर्ट किया। ओरिजिनल एप्पल का 3.5 mm टू टाइप सी कनेक्टर के साथ ऑडियो सुनिए। इसमें क्रिस्पीनेस है, आप थोड़ा फर्क समझ सकते हैं बजट फ्रेंडली कनेक्टर में और ओरिजिनल एप्पल का कनेक्टर क्यों लेना चाहिए आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कितना अच्छी तरह से मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना बढ़िया। आप आईफोन के लिए कोई भी एक्सेसरीज लेने से पहले ओरिजिनल एप्पल का आता है तो एप्पल का ही ले लीजिए। और आप ट्रैवलिंग करना सीखना चाहते हैं तो व्लॉग्स वीडियोस को शूट करना और व्लॉग्स वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन 30 डेज व्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन करके 30 दिन के अंदर ही एक प्रो व्लॉगर बन सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने व्लॉग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कोर्स पेज में एक फ्री क्लास भी है, कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिए। इसके बाद नेक्स्ट है 700 रुपीज़ के आसपास तक आने वाला माइक बोया BY-M1 माइक। ये माइक भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया माइक है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इसी माइक को यूज़ करते हैं। और इस माइक के साथ 20 फीट का केबल आता है, यही इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और मोनो AU400 और इसके बीच में ऑडियो में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का ऑडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर आप थोड़ा कैमरा से दूर जाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इस माइक को चूज़ कर सकते हैं, ये भी वाकई में बहुत बढ़िया माइक है। अब मैं बोया BY-M1 माइक के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये भी दोस्तों अच्छा खासा माइक है, ये 20 फीट के केबल के साथ आता है। आप कैमरा से थोड़ा दूर जाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इस माइक को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल का ईयरपॉड्स। अगर आप सेपरेटली माइक्स को परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप एप्पल का ओरिजिनल ईयरपॉड्स को भी एज ए माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये 1800 रुपीज़ के आसपास तक मिल जाएगा। आप इसे एज ए ईयरफोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ माइक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आप ट्रेन व्लॉगर्स को ऑब्जर्व करिए, वे अपने व्लॉग्स को इस तरह के ईयरपॉड से ही रिकॉर्ड करते हैं। नॉट बैड दोस्तों, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेपरेटली माइक के ऊपर ही पैसे निवेश करें, क्योंकि ईयरपॉड्स को क्लिप करने के लिए कोई क्लिप नहीं रहता और यह बार बार फिसलता रहता है और गले में भी उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप माइक्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एप्पल के ईयरपॉड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1800 रुपीज़ में मिल जाता है और मैं ईयरपॉड्स से ही ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए इसका भी ऑडियो रिकॉर्डिंग का कैप्सूल रहता है ना, हाई क्वालिटी का रहता है। आप यूट्यूब पे ट्रेन व्लॉगर्स को देखे होंगे, वे ईयरपॉड्स को ही यूज़ करते हैं अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ईयरपॉड्स को यूज़ करने में एक दिक्कत क्या है कि
ये अच्छी तरह से क्लिप होके बैठता नहीं, बार बार गिरेगा और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी नहीं आएगा। सो इस टेक्निक तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है। ये थे दोस्तों लेविलियर माइक्रोफोन्स के बारे में, ये बजट फ्रेंडली भी आते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। अब हम ऑन कैमरा माइक्स के बारे में बात करेंगे। ऑन कैमरा माइक्स इस तरह से दिखते हैं, देखिए, और इसमें भी 3.5 mm वाला जैक के साथ भी आता है और डायरेक्टली आप टाइप सी के साथ भी यहाँ प्लग करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये है बोया BY-MM1 शॉटगन माइक, ये 1500 रुपीज़ के आसपास तक मिलता है और ये भी काफ़ी अच्छा माइक है। इसको मैं 3 साल पहले कैमरा के लिए लाया था, सो इसको ये मैं आईफोन के साथ टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। और रोड का भी ऑन कैमरा माइक्स मिलते हैं, डायरेक्टली आप टाइप सी है तो टाइप सी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और लाइटनिंग पोर्ट है तो इस तरह कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ भी कनेक्टर को यूज़ करना पड़ता है और इस तरह के ऑन कैमरा माइक्स को यूज़ करना है तो आप सेल्फी स्टिक को यूज़ करना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह से माउंट हो सके, नहीं तो कैसे माउंट करोगे आप? सेल्फी स्टिक चाहिए। और आप सेल्फी स्टिक परचेस करते वक्त ये ऊपर का कोल्ड शू माउंट है क्या नहीं चेक करके लीजिए। कोल्ड शू माउंट का मतलब इस तरह का ग्रिप रहता है, मैं इसके ऊपर माउंट करूँगा। अब मैं ऑन कैमरा माइक से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप वाइड एंगल में देख सकते हैं, इसका विंड फोम का भी ये दिख रहा है। यदि आपके वीडियो में बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं तो और आप नेचर के साउंड्स वगैरह इक्वली रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप ऑन कैमरा माइक्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑन कैमरा माइक्स को यूज़ करते वक्त आप विंड फोम को यूज़ किया तो अल्ट्रा वाइड एंगल में यहाँ आप देख सकते हैं विंड फोम भी दिख रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। मैं इसलिए आपको टेस्ट करके दिखाता रहता हूँ दोस्तों, आपका पैसे बच सके। और मुझे तो आईफोन का बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट माइक ऑडियो आता है ना उसके साथ, और ये ऑन कैमरा माइक के साथ जो ऑडियो आता है ना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगता। मेरे हिसाब से आईफोन के लिए ऑन कैमरा माइक्स को लेना वेस्ट ऑफ मनी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको इस ऑन कैमरा माइक का ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगा है तो आप विंड फोम को निकाल कर ऑडियो रिकॉर्डिंग करने लगे तो कोई भी आपके फ्रेम में रुकावट नहीं आता, सो इस तरह ऑडियो आता है। बट हवा वगैरह है तो इसका भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। ओवरऑल ऑन कैमरा माइक्स बल्कि भी होते हैं और आज के समय में इररिलेवेंट है। और ऑन कैमरा माइक्स का डिसएडवांटेज क्या है कि अब कैमरा से दूर गए तो आपका ऑडियो भी लो क्वालिटी में सुनाई देती है। अब हम वायरलेस माइक्स के बारे में बात करेंगे। आज के समय में वायरलेस माइक्रोफोन्स बहुत पॉपुलर है। अब मैं आपको बजट वाइज कुछ वायरलेस माइक्स को रेकमेंड करूंगा, जो मैंने पर्सनली उनको देखा हूं और यूज़ किया हूं उनके बारे में ही बात करूंगा। अगर आप आउटडोर में या कैमरा से दूर जाके ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए वायरलेस माइक्स बेस्ट हो सकते हैं। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन वायरलेस माइक्स में से कोई एक को चूज़ करिए। अगर आपका बजट 2000 रुपीज़ के आसपास तक है तो आप ग्रैनरो S13 प्रो माइक को चूज़ कर सकते हैं। यह एंड्रॉयड और आईफोन के साथ कनेक्ट होता है और इसके साथ इस तरह से चार्जिंग केस आता है और इसके अंदर 3 लेवल के नॉइज़ रिडक्शन फीचर है। बहुत अच्छा माइक है दोस्तों इस प्राइस रेंज में, इसके साथ ऑडियो सुनिए। अगर आप कैमरा से थोड़ा दूर जाकर इस तरह घूमते फिरते और थोड़ा इस तरह आप दूर जाके इंटरेस्टिंग तरीके से अपने ऑडियो को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप वायरलेस माइक्स को यूज़ कर सकते हैं। आईफोन के साथ दोस्तों बहुत सारे वायरलेस माइक्स सपोर्ट होते हैं और उनमें से बेस्ट माइक्स को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप ग्रैनोरो S13 प्रो माइक को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल उसी माइक के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखिए इसका ऑडियो क्वालिटी भी दोस्तों इसके बजट के हिसाब से अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगा है। अब मैं हूँ दोस्तों मैसूर में, KGF में रॉकी भाई का पैलेस था ना दोस्तों, यही है वो पैलेस, कितना मस्त है देखिए। अगर आपका बजट 10,000 रुपीज़ के आसपास तक है तो आप होली लैंड का Mark M1 या M2 को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट 30,000 रुपीज़ के आसपास तक है तो आप इनमें से कोई एक माइक को ले सकते हैं। इसमें से पहला माइक है DJI माइक, ये 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर के साथ आता है और साथ में चार्जिंग केस भी आता है।
और DJI माइक का भी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 6-7 आवर्स तक बैटरी लाइफ मिलती है, एक्सटर्नल माइक्स को यूज़ कर सकते हैं, नॉइज रिडक्शन फीचर है। और इसमें दूसरा माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है रोड वायरलेस गो टू माइक। वाकई में ही ये एक बढ़िया माइक है दोस्तों। ये भी सेम DJI माइक की तरह ही है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। सेम DJI माइक की तरह इसमें भी आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल माइक को यूज़ कर सकते हैं और इसका भी बैटरी बैकअप 7 घंटे तक आता है और इसके साथ चार्जिंग केस नहीं आता। और इस माइक को आप आईफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो सेल्फी स्टिक को यूज़ करना पड़ता है। अब आप इस वीडियो में ऑडियो सुन रहे हो ना, मैं इसी माइक के साथ लैविलियर माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये भी बढ़िया माइक है, आप इस माइक को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों। इसके साथ आप एक्सटर्नल माइक को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर है। और इसी रेंज में और एक माइक आता है दोस्तों, DJI माइक। अगर आप सुपीरियर क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा बजट को इन्वेस्ट करके इन माइक्स को यूज़ कर सकते हैं। और इस माइक को मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, वाकई में ये माइक बढ़िया है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि 2000 का वायरलेस माइक में और 30,000 के वायरलेस माइक के बीच में क्या फ़र्क रहता है। देखो दोस्तों, फ़र्क ऑडियो में तो उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, जस्ट फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर ही प्राइसिंग ज़्यादा कम होता है। इस तरह से ये आईफोन के लिए आने वाले बेस्ट माइक्स है। आप अपने ज़रूरत और बजट के हिसाब से इनमें से कोई एक माइक को लीजिए और काम को शुरू करिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।